हेलो भाई, मैं वंकित। होंडा की एक बहुत ही सुंदर या फिर खूबसूरत कह सकते हो 110 cc की बाइक है। उसका यार पिछले महीने काफ़ी अच्छा सेल हुआ था। मेरे को लगा था भाई ये धीरे धीरे रेस पकड़ रही है, लेकिन इस महीने भाई सीधा आधा सेल हो गया। मतलब होंडा वालों का दिल टूट गया भाई उस गाड़ी के प्रति। इतना गंदा भी किया ना, पूछो मत। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज फाइनली अपन होंडा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल वाइज इवन पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे, उनमें कितना पावर, टॉर्क, माइलेज, कन्वर्ट, क्लॉच एंड टॉप स्पीड मिलता है ये सब भी जानेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टोटल होंडा का सेल्स बता देता हूँ। होंडा ने जुलाई के महीने में 439,118 गाड़ियों को बेचा है। जून में यह आंकड़ा 482,597 यूनिट का था। मतलब 43,489 गाड़ियाँ इनकी कम भी की, 43,479 गाड़ियाँ कुछ होता है भाई। अगर आप एक्टिवा और SP125 का सेल्स हटा दो तो होंडा वालों में जान बिल्कुल भी नहीं रहेगा भाई। खैर, ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना जुलाई महीने का 439,118 यूनिट, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है और जान लेते हैं। तो 15वें नंबर पे इनकी गोल्ड विंग है, इसकी भाई 6 यूनिट बिकी है जुलाई में। जून में बिकी थी 0 यूनिट, मतलब 6 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ इस महीने। ये भाई कॉस्ट करती है अपने बिहार सासाराम में 46,08,000 रुपये। बाप रे बाप है। इसमें आपको 124.7 bhp का पावर मिलता है और टॉर्क मिलता है मात्र 170 Nm का, जबकि आपको माइलेज वही 20-25 का मिलता है। 390 किलो इसका वजन है। एक कलर ऑप्शन मिलता है, बाकी 230 प्लस आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी 14वें नंबर पे XL 750, इसकी भाई 18 यूनिट बिकी है जुलाई में। ये एक एडवेंचर टाइप की बाइक है भाई, जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। जून में बिकी थी 22 यूनिट, मतलब 4 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने XL 750 की। होंडा वालों ने इसको कुछ दिन पहले ही डिस्कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन फिर से अपडेट करके लॉन्च कर दिया भाई। ये भाई 12,67,593 रुपये तक आपको मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको 90.5 bhp का पावर और 75 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज कितना मिलता है वो आप बताना भाई, मेरे को आइडिया नहीं है। 208 किलो का कर्व वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 180 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके अलावा 13वें नंबर पर CB 300 सीरीज, यहाँ पर अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, CB 300R और CB 300F। दोनों कंबाइन 145 यूनिट बिकी जुलाई में। जून में बिकी थी 287 यूनिट, मतलब 142 गाड़ियां कम बिकी है CB 300 की, 142 गाड़ियां। अगर आप CB 300F लेते हो तो मोटा मोटी 198,270 रुपये, मतलब मोटा मोटी 200,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। 24.13 bhp का पावर, 25.6 Nm का टॉर्क, 35 km का माइलेज, 153 किलो का वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 155 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। CB 300F भाई आज के रेट में इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ना, पूछो मत। इसके जैसा भाई पावरफुल गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं है, इतने प्राइस पॉइंट में कह सकते हो। बात करें अगली गाड़ी की तो 12वें नंबर पे CB 200X, ये भाई एडवेंचर टाइप की बाइक है, हॉर्नेट पर ही बेस्ड है। इसकी भाई 544 यूनिट बिकी है जुलाई में। जून में बिकी थी 466 यूनिट, मतलब भाई 78 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है CB 200X की। ये 173,088 रुपये कॉस्ट करती है ऑन रोड। इसमें आपको 17.03 bhp का पावर मिलता है, 15.9 Nm का टॉर्क मिलता है, 42 km का माइलेज, 147 किलो का वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। CB 200X भी बहुत ही कैपेबल गाड़ी है, बहुत ही रिलायबल गाड़ी है, लेकिन भाई पहले जैसा अब इसका क्रेज नहीं रहा। बात करें अगली गाड़ी की तो 11वें नंबर पे CB 350, यहाँ पे हाईनेस और RS का नहीं बताऊंगा, ओनली CB 350 जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी उसका बात करेंगे। 1,011 यूनिट बिकी जुलाई में। जून में बिकी थी 1,161 यूनिट, मतलब भाई 150 गाड़ियाँ कम बिकी है CB 350 की। होंडा वालों ने बिल्कुल ही क्लासिक का कॉपी करा था, लेकिन भाई नहीं, ये टिक पाई क्लासिक के आगे। हालांकि 1,000 यूनिट बिक रही है, खराब नहीं बोलेंगे भाई। ये आपको 231,550 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड है। इसमें आपको पावर मिलता है 20.7 bhp का, टॉर्क मिलता है 29.4 Nm का। इसके अलावा 35 km का माइलेज, 187 किलो का वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ, 10वें नंबर पे हॉर्नेट 2.0, इसकी भाई 1,278 यूनिट बिकी है जुलाई में। जून में बिकी थी 2,080 यूनिट, मतलब 802 गाड़ियाँ कम बिकी है हॉर्नेट 2.0 की, 802 गाड़ियाँ। ये भाई 64,432 रुपये तक आपको मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पावर मिलता है 17.03 bhp का, टॉर्क मिलता है 15.9 Nm का, 45 km का माइलेज, 142 किलो का वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 130 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है हॉर्नेट 2.0 में। ये भी गाड़ी तगड़ी है भाई, जो जानते हैं वही खरीदते हैं। बाकी हाँ, 9वें नंबर पे इनकी हाईनेस CB 350 और CB 350 RS, दोनों कंबाइन 1,314 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। जून में बिकी थी 1,807 यूनिट, मतलब 493 गाड़ियाँ कम बिकी है हाईनेस CB 350 और CB 350
350 RS की। अगर आप हाइनेस लेते हो तो 242,499 रुपए तक आपको मिल जाती है ऑन रोड। पावर मिलता है 20.78 bhp का, टॉर्क मिलता है 30 Nm का, 35 kmpl का माइलेज, 181 किलो का वेट, 10 कलर ऑप्शन, बाकी 125 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 8वें नंबर पे होंडा की लीवो, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जिक्र करा था कि एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, वो यही है भाई। इसकी मात्र जुलाई में नहीं बिलीव करोगे 3670 यूनिट बिकी है, 3670 यूनिट, जबकि जून में 7038 यूनिट बिकी थी, मतलब 3368 गाड़ियां कम बिकी है, 3368 गाड़ियां। ये आपको 91,504 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 8.67 bhp का, टॉर्क मिलता है 9.30 Nm का, 60 kmpl का माइलेज, 113 किलो का वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी पावर वाइज फीचर्स वाइज बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। 91,092 रुपये दे के भाई कोई इनकी 110 सीसी गाड़ी क्यों ही लेगा, जब इनके पास ही 125 सीसी की बाइक है साइन 125 है। खैर 7वें नंबर पे है इनकी SP160। इसकी भाई 5,414 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, जबकि जून में बिकी थी 7117 यूनिट, मतलब 1703 गाड़ियाँ कम बिकी SP160 की। ये 1,42,031 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 13.27 bhp का, टॉर्क मिलता है 14.58 Nm का, 50 kmpl का माइलेज, 139 किलो का वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 110 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 6वें नंबर पर CD110 ड्रीम, ये भाई स्प्लेंडर के जाने दुश्मन अगर देखा जाए तो। इसकी 6550 यूनिट बिकी है जुलाई में, जून में बिकी थी 7234 यूनिट, मतलब 684 गाड़ियाँ कम बिकी है CD110 ड्रीम की। ये आपको 86,87,000 तक मिल जाती है। इसमें आपको पावर मिलता है 8.67 bhp का, 9.30 Nm का टॉर्क है, 60 kmpl का माइलेज, 112 किलो का वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 86 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो भाई ये बाइक बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही बढ़िया स्प्लेंडर से, लेकिन लोग बाग तो स्प्लेंडर लेंगे भाई, इसको कोई खरीदता नहीं है। हालांकि ये 7,000-8,000 बिक जाती है बेचारी। बाकी हाँ अब आते हैं टॉप 5 में, 5वें नंबर पे इनकी साइन 100। इसकी भाई 22,812 यूनिट बिकी है जुलाई में, जून में बिकी थी 23,087 यूनिट, मतलब 275 गाड़ियाँ कम बिकी है साइन 100 की। मेरे को लग रहा था ये 50,000 का आंकड़ा टच करेगी, लेकिन दिन पर दिन इसका सेल गिरते ही जा रहा है। ये 75,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें पावर मिलता है 7.28 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, 65 kmpl का माइलेज, 99 किलो का वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 85 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ 4वें नंबर पे लेजेंडरी बाइक यूनिकॉर्न, इसकी 26,690 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, जून में बिकी थी 26,751 यूनिट, मतलब 61 गाड़ियाँ मात्र कम बिकी है यूनिकॉर्न की। इसका तो दबदबा अलग ही है भाई, फीचर्स कुछ नहीं मिलता फिर भी इतना दबा के बिकती है। ये आपको 1,34,000 तक मिल जाती है। इसमें भी आपको 13.27 bhp का ही पावर मिलता है, 14.99 Nm का टॉर्क मिलता है, 50 kmpl का माइलेज, 139 किलो का वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 110 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3रे नंबर पे डीओ सीरीज, यहाँ पे डीओ 110 और डीओ 125 दोनों मिलता है, दोनों का मैन 33,472 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, जून में बिकी थी 32,584 यूनिट, मतलब भाई 888 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है डीओ 125 और डीओ 110 की। अगर आप डीओ 110 लेना चाहते हो तो मोटा मोटी आपको 87,88,000 तक मिल जाती है। ये पावर मिलता है 7.25 bhp का, टॉर्क मिलता है 9.03 Nm का, 48 kmpl का माइलेज, 103 किलो का वेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी 83 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी दूसरे नंबर पे होंडा की साइन और SP125 दोनों की कंबाइन भाई 1,40,590 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, जून में बिकी थी 1,39,587 यूनिट, मतलब 1,003 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है साइन 125 और SP125 की। अगर आप साइन लेते हो तो 93,000-94,000 तक मिल जाती है, लेकिन SP लेते हो तो वो 1,01,000 रुपये से मिलना शुरू होती है। साइन में आपको पावर मिलता है 10.59 bhp का, 11 Nm का टॉर्क, 55 kmpl का माइलेज, 113 किलो का वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 102 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ नंबर 1 पे आइए हमेशा की तरह एक्टिवा सीरीज, यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलता है, दोनों कंबाइन 1,95,604 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जून में बिकी थी 2,33,376 यूनिट, मतलब भाई 37,772 गाड़ियाँ कम बिकी है, बाप रे बाप, एक्टिवा के सेल्स में इतना गिरावट है। अगर आप एक्टिवा 125 लेते हो तो 96,97,000 तक मिल जाती है। पावर मिलता है 8.19 bhp का, टॉर्क मिलता है 10.4 Nm का, 46 kmpl का माइलेज, 110 किलो का वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। तो यही कहानी है भाई होंडा की सारी गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। लीवो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय सभी को।